प्रदेश के मथुरा जनपद में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि एक वक्त था जब उनकी माँ भी बाल्टी से बनी अंगीठी पर कच्चे कोयले जलाकर रोटी सेकती थी, इसीलिए उनको भी गरीबी का एहसास है। 70 वर्षीय हेमा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत उज्ज्वला योजना के जरिए से हजारों महिलाओं को सम्मान स्वरूप निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर खुद को वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। जानकारी के अनुसार हेमा ने सराय आजमाबाद क्षेत्र स्थित एक गैस एजेंसी पर 175 में से 5 महिलाओं को प्रतीक रूप में अपने हाथों से गैस कनेक्शन के प्रमाण पत्र सौंपे। जनपद के 20 गांवों की 1500 से अधिक महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में एक दिन से कार्यक्रम आयोजित कर गैस कनेक्शन दिए गए। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने 4 वर्ष बाद वृंदावन में अपना बंगला बनवा कर गृह प्रवेश किया। उन्होंने वृंदावन के चीटकला रोड पर स्थित ओमेक्स सिटी कॉलोनी में बनवाए बंगले में विधिवत पूजा अर्चना कराने के पश्चात गृह प्रवेश किया। इस मौके पर उनके साथ अभिनेता और उनके पति धर्मेंद्र भी मौजूद थे। इसके साथ उन्होंने चुनाव के दौरान भी वोटरों को ये कहकर भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि वो चाहे जीते या हारे वृंदावन में घर बनाकर अपने भगवान के पास रहना चाहेंगी। इससे पूर्व वो जब भी मथुरा आती थी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब एक होटल में ही ठहरती थी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।